हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं पिछले 3 महीने की यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की बैंकिंग अवेयरनेस कवर करूंगा, वित्तीय और बैंकिंग सचेतना। ये है भाग दो। इससे पहले मैंने पार्ट वन कवर कर लिया था और पार्ट वन में लगभग 1 घंटे का वीडियो था जो मैंने कल अपलोड किया था, और ये है पार्ट टू। इसके बाद कम से कम 2 पार्ट और आएंगे, तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू। हमारी दिवाली की सेल चल रही है 19 तारीख तक, 19 अक्टूबर तक। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं और कोई भी हमारा पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इन दिए हुए 2 नंबर में से किसी भी एक पर डायल करना होगा। हमारे पास IBPS PO SSC RBI ग्रेड भी और UPSC 4 सब्जेक्ट्स के लिए पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की। कॉमेमोरेटिव का मतलब यह होता है जब किसी की यादगार में, किसी चीज को यादगार बनाने के लिए कोई कॉइन सरकार लेके आती है उसे बोलते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही स्पेशल ओकेजन हो या कोई बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हो, उसको अमर करने के लिए, उसकी याद में उसको सम्मानित करने के लिए, उसके लिए होता है कॉमेमोरेटिव कॉइन। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन बताता है। सागर सम्राट, ये हमारा एक ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म है, हम तेल निकालते हैं समुद्र से, उस प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। ये भारत में कौन से नोट के ऊपर छपा रहता है? तो सवाल इस तरह से आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन होगा 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट या 500 रुपए का नोट, इस तरह से। तो सागर सम्राट कौन से नोट पे छपा रहता है? नोट के 2 साइड होते हैं, एक होता है ऑबवर्स साइड और एक होता है रिवर्स साइड। ऑबवर्स मतलब जो सामने का साइड होता है जिसपे गांधी जी की फोटो होती है, और एक होता है रिवर्स साइड यानी कि उल्टा, पीछे वाला साइड। सबसे पहला भारत के अंदर जो कॉमेमोरेटिव कॉइन शुरू हुआ था वो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, उनकी याद में 1964 में उनका निधन हो गया था, तो इनकी याद में पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन था 1964 के अंदर। कॉमेमोरेटिव कॉइन पे जनरली जो व्यक्ति होता है उसको सम्मानित करने के लिए या तो हम उसका कोई ना कोई योगदान छाप देते हैं या उसकी फोटो छाप देते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन, लेकिन याद रखिए भारत का सबसे पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन था 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मानित करने के लिए। अभी इस साल क्या क्या हो रहा है? एक बहुत मशहूर सिंगर है कर्नाटका की, कन्नड़ भाषा में गाती हैं, इन्हें अम्मा भी बोलते थे, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित, भारत रत्न भी इन्हें मिला हुआ है, इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। हालांकि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्नड़ में ही गाया है, इन्होंने काफी सारी भाषाओं में गाया है। तो इनको सम्मानित करने के लिए हमारी सरकार ने 100 रुपए का सिक्का निकाला है और 10 रुपए का सिक्का निकाला है। एक बात और बताता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह बात काफी क्लियर कर दी थी कि जो 100 रुपए का सिक्का है वो सिर्फ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में ही यूज होगा, जनरल जो हम रोज सामान वगैरह खरीदते हैं उसमें यूज नहीं होगा। तो ये किस याद में किया गया, ये आप यहां पे देख सकते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी की जन्म शती, मतलब 100 साल 1916 से 2016, तो ये अभी अभी रिलीज हुआ है MS सुब्बुलक्ष्मी जी की याद में, इनके 100 वर्ष पूरे होने पर, इनके जन्म दिवस को 100 वर्ष पूरे होने पर ये 100 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। दूसरा सिक्का है टीचर्स डे, जब था हमारे भारत में, हम टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, हालांकि पूरी दुनिया में टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 1 महीने बाद, तो 5 सितंबर को होता है टीचर डे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके 125वीं जयंती थी इनकी, 125वीं जयंती। जयंती देखिए दो तरह की हो सकती है, या तो जिसे कहते हैं डेथ की हो सकती है या फिर बर्थ की हो सकती है, तो इनके बर्थ की थी, ये बर्थ एनिवर्सरी थी। कई बार डेथ एनिवर्सरी पे भी सम्मानित करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंप या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो इस बार टीचर्स डे पे 2 सिक्के लॉन्च किए गए, एक 125 रुपये का सिक्का और एक 10 रुपए का सिक्का। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। और एक ये और हमीद अंसारी, यही सिर्फ 2 हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं आज तक जिन्होंने 2 टर्म्स किए हैं, यानी 10 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। MG रामाचंद्रन, देखिए MG रामाचंद्रन कौन है ये समझ लीजिए पहले, महानतम एक्टर में से थे तमिल फिल्मों के, और तमिलनाडु की एक पार्टी है AIADMK, आज भी रूलिंग पार्टी वही है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापड़ी पलनास्वामी, वो इसी पार्टी से आते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम बोलते हैं इस पार्टी को। और इनके याद में भी अभी अभी 100 रुपए का और 5 रुपए का सिक्का भारत की सरकार ने लॉन्च किया है, और ये रिक्वेस्ट की थी AIADMK ने नरेंद्र मोदी जी को कि आप MGR जो हैं इनकी याद में भी कुछ ना कुछ लॉन्च जरूर करें। तो याद रखिए 100 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्टर और AIADMK पार्टी के फाउंडर MG रामाचंद्रन जी की याद में। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 सिक्के और लॉन्च करे हैं, याद रखिए, एक किया है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके 125 साल पूरे हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में यह सिक्का 10 रुपए का लॉन्च करा है, रुपी 10 कॉइन है ये।
और एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 150 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में 5 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा भी है 1866 to 2016, यानी 150 साल पूरे हो गए हैं और इसके 125 वर्ष पूरे हुए हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के। इन दोनों उपलक्ष्य में भी इसी साल 2017 में सिक्का लॉन्च हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन गुरु थे, लेखक थे, कवि थे, इनका नाम है श्रीमद राजचंद्र जी। इनका 150वां जन्म दिवस उस उपलक्ष्य में भी प्रधानमंत्री मोदी ने 5 रुपये की स्टैंप, डाक टिकट, यहां पे आप देख सकते हैं डाक टिकट, ये 5 रुपये की है, और 150 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का, ये 10 रुपये का, ये लॉन्च कराए। मैं रिपीट करता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, 5 रुपये की डाक टिकट लॉन्च करी है और 150 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का लॉन्च करा है। और ये ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उनके ये गुरु थे, उनके स्पिरिचुअल गुरु थे ये। और साबरमती आश्रम में ये काफ़ी धूमधाम से मनाया भी गया इस बार जो ये 150 साल हुए, और इस उपलक्ष्य में भी 150 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी है जो मैसूर में, मैसूर यूनिवर्सिटी, इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है इसी साल, मैसूर विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष। आप देख सकते हैं 1916 से 2016 100 साल पूरे हो गए और इसी उपलक्ष्य में 100 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का। एक नया नोट RBI ने लॉन्च कराया, भारत के इतिहास में पहली बार 200 रुपये का नोट लॉन्च कराया। इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये जरूर आता है कि भाई इस पे क्या छपा है, या कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कई बार इनसेट लेटर पूछ लेते हैं क्या आता है। तो जनरली क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, या तो नोट के ऊपर क्या छपा है, जैसे मैंने आपसे पूछा था सागर सम्राट, वो 1 रुपये का है, आंसर उसका है 1 रुपये, 1 रुपये के नोट पे छपा होता है सागर सम्राट। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि भाई इनसेट लेटर क्या है उसमें, तो ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 200 रुपये के नोट के बारे में फटाफट बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये होता है फ्रंट साइड, जिसको बोलते हैं ऑब्वर्स, और ये बैक साइड है। अब ये फ्रंट साइड में ये जो दिख रहा है आपको, ये लेटेंट इमेज होती है। लेटेंट इमेज ये होती है कि आप इसको, फोन को 45 डिग्री पे झुकाएंगे तो आपको इसके अंदर लिखा हुआ दिख जाएगा 200, यानी जितने रुपए का भी नोट है वो। और ये जो है इसे बोलते हैं सी थ्रू, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है सी थ्रू, इस पे आप लाइट मारेंगे तो आपको दिख जाएगा लिखा हुआ 200। खैर मैं आपको दिखाता हूं, ये सामने का व्यू है, ये पीछे का व्यू है, और ये जो इमारत है ये है सांची स्तूप, ये भोपाल के थोड़ा सा दूर है, लगभग आई थिंक 40 किलोमीटर दूर है सांची, वहां पे है सांची स्तूप। बुद्ध धर्म का ये आर्किटेक्चर है और सम्राट अशोक ने बनवाया था ये। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब ये बनवाया था। ये 200 रुपये के नोट के पीछे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वच्छ भारत का लोगो है यहाँ पे। तो ये लेटेंट इमेज जो मैंने बताया था, ये सी थ्रू है, इसे बोलते हैं सी थ्रू रजिस्टर। इस पे 200 लिखा है देवनागरी में, और इस पे महात्मा गांधी जी का फोटो सेंटर में है, भारत लिखा है, 200 लिखा है, हर नोट पे यही होता है, ये सब नहीं आता। इसको बोलते हैं वैसे विंडोर सिक्योरिटी थ्रेड। ये देखिए, ये पूछ सकते हैं, अगर आप ये रंग देखिए कौन सा है, ये रंग कौन सा है, ग्रीन है, लेकिन अगर आप फोन को झुकाएंगे तो ये ग्रीन कलर ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब नोट असली है। ये देखिए ग्रीन कलर है, ये झुकाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा गारंटी क्लॉज, ये होता है गारंटी क्लॉज, ये देखिए रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उर्जित पटेल, इनका साइन भी है यहाँ पे, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इसको बोलते हैं गारंटी क्लॉज। और इसके अंदर जो डिनोमिनेशन न्यूमरल है ये, इसको भी आप झुकाएंगे, ये देखिए कलर कौन सा है यहाँ, ग्रीन, ये भी ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा फोन को झुकाने पे। अशोक का स्तंभ है यहाँ पे और इसके ऊपर HP लिखा है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोटाइप, यानी महात्मा गांधी जी की फोटो आपको ऐसे नजर नहीं आएगी, थोड़ा पास से नोट को देखेंगे तो जरूर नजर आएगी। ये देखिए ये महात्मा गांधी जी की फोटो है। इसके अलावा ये है नंबर पैनल, इसे बोलते हैं नंबर पैनल, और नंबर पैनल में शुरू के 3 तो सेम साइज के हैं, उसके बाद जो बाद वाले हैं ये लेफ्ट से राइट जाने पे इनका साइज बढ़ता जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो ये साइज बढ़ रहा है, ये 000 ऐसे नंबर्स का साइज बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां पे 4 एंगुलर ब्लीड लाइन है जो देख नहीं सकते लोग, यहां पे ये देखिए ये है एंगुलर ब्लीड लाइन 4, और इनके बीच में 2 डॉट है, 2 सर्कल, और ये उभरे हुए हैं, यानी जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो भी इसको देख के पहचान सकता है कि 200 रुपये का नोट है। और ये सांची स्तूप है, स्वच्छ भारत का लोगो है। नोट की डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो इसकी नोट की डायमेंशन है 66 mm × 146 mm। मैं रिपीट करता हूं, 66 mm × 146 mm। और कलर अगर पूछ लें कौन सा है, तो ये आपको दिख रहा होगा कलर, ये पीला रंग है लेकिन ब्राइट येलो, तो ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा लाइट ऑरेंज और ये सब, ब्राइट येलो कलर का है ये।
और जो सांची का स्तूप है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1989 से। चलिए अब देखते हैं एक दूसरा और नोट, 50 रुपए का नोट भी लॉन्च करा है। ये जो कलर है ये है फ्लोरोसेंट ग्रीन। सिर्फ ग्रीन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरोसेंट ग्रीन। और इस पे सामने वाली साइड पे सब कुछ वही है, कुछ फर्क नहीं है, वही सब कुछ है, बस इस पे जो पीछे फोटो छपी है वो अलग है। इस पे जो पीछे ये देखिए, ये जो फोटो है ये सांची स्तूप की नहीं है, सांची स्तूप तो 200 रुपए के पे था, ये है हम्पी। हम्पी क्या है, देखिए हम्पी कर्नाटक में है, यहाँ पे हम्पी की गुफाएं भी है जिनमें ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी जो थे रामायण में उनका जन्म हुआ था हम्पी की गुफाओं में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक आर्किटेक्चर है हम्पी कर्नाटक में। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है, जहां पे जो पुराने वाला नोट था 200 का उसमें इस जगह सब वही 50 लिखा है, वही महात्मा गांधी जी की फोटो है, कुछ अलग नहीं है, स्वच्छ भारत भी लिखा है इसके अंदर। बस ये याद रखना है आपको, हम्पी है रथ के साथ, चैरियट के साथ, और लैंग्वेज पैनल, ईयर ऑफ प्रिंटिंग, बाकी वही सब है। अब इसके अंदर 50 रुपए का एक और जो नोट है, याद रखिए ये वाला जो 50 रुपए का नोट है ये फ्लोरोसेंट ग्रीन, इसके अंदर कोई इनसेट लेटर नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई इनसेट लेटर नहीं है। और जो 500 रुपए का नोट डीमोनिटाइजेशन करा था मोदी जी ने 8 नवंबर को, तो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे और नया 500 का नोट निकाला था और एक 2000 का नोट निकाला था। ठीक है, अब जो ये 500 का नोट डीमोनिटाइजेशन के तुरंत बाद निकाला था उसके अंदर इनसेट लेटर था ई। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नए 500 रुपए के नोट निकाले हैं ये इसी सीरीज में है, लेकिन इसमें इनसेट लेटर है ए। यानी कि नवंबर 2016 में जो 500 रुपए का नोट छापा उसमें इनसेट लेटर है ई, और जो अभी अभी छापे हैं उसमें इनसेट लेटर है ए, और लाल किला छपा हुआ है 500 रुपए के नोट के ऊपर। अब हम भारत तक ही नहीं रुकते हैं, पहले देखते हैं कि यूके में क्या चल रहा है। यूके में जो मुद्रा है उसे बोलते हैं पाउंड, ये डॉलर से भी महंगी है ये मुद्रा, जिसे हम पाउंड बोलते हैं। अब यहां जो क्वीन एलिजाबेथ है उसका फोटो रहता है ये आप जानते हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के अलावा अब अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें सिर्फ एक ही महिला है जिसका फोटो छपा है, ये है 10 पाउंड का नोट, 10 पाउंड का नोट। और इस पे ये देखिए, ये जो लेडी है ये क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, ये एक बहुत फेमस लेखिका थी, इनका नाम है जेन ऑस्टन। तो ये नोट छपा है इंग्लैंड में और इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि इनकी जो डेथ है, इनको मरे हुए 200 वर्ष पूरे हुए, और इसीलिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है मार्क कार्नी, उन्होंने 10 रुपए का ये नोट इशू करा है। ये पॉलीमर का बना हुआ है और जो इनकी कई इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस और एमा, इस तरह की किताबें हैं इनकी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड ने कि हम 20 पाउंड का नोट छापेंगे 2020 में, जिसपे फोटो होगी यहाँ के महान पेंटर JMW टर्नर की। तो ये भी आ सकता है कि 2020 में जो इंग्लैंड में नोट छापा जाएगा उस पर किसकी फोटो होगी, उस पर फोटो होगी JMW टर्नर की। और जो जेन ऑस्टन है, इनकी एक किताब थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके अंदर एक डायलॉग था, आई डिक्लेयर आफ्टर ऑल देर इज नो एन्जॉयमेंट लाइक रीडिंग, मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि पढ़ाई जैसा, पढ़ने जैसा कोई दूसरा जॉय, कोई दूसरा एंटरटेनमेंट दुनिया में नहीं है। ये भी नोट के ऊपर लिखा हुआ है। तो और एक और बात, ये पहला नोट है जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने छापा है जिसमें दृष्टिहीनों के लिए भी टेक्टाइल फीचर है। जो बैंक यूनियन है भारत का, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, इसने ये डिक्लेयर किया इस बार कि जुलाई 19 को हम मनाएंगे सेव पब्लिक सेक्टर बैंक्स डे। देखिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है अब वो 8 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, और टोटल भारत में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो 12 लाख करोड़ टच कर चुके हैं। जनरली हम बोलते हैं 90 दिन तक अगर आपने मान लो बैंक से कोई लोन ले लिया, 1 करोड़ का लोन ले लिया, उस पर ना तो आपने कोई इंटरेस्ट दिया बैंक को वापस, ना आपने कोई उसका किस्त भरी वापस, अगर 90 दिन तक ऐसा चलता है तो फिर हम उसे बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और अगर 30 दिन तक चलता है सिर्फ तो हम उसे जनरली बोल देते हैं बैड लोन्स। ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। 30 दिन तक हम बोल देते हैं, 30 दिन तक अगर कोई उस पर किस्त वापस नहीं आई या कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो हम बोल देते हैं बैड लोन है, और 90 दिन जब हो जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है मार्च 2014, ये जस्ट मोदी जी के सरकार के आने से पहले, मोदी जी आए थे मई 2014 में, तो मार्च 2014 में जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो थे 2.4 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़, आज की तारीख में है 12 लाख करोड़, यानी 6 गुना लगभग ज्यादा है पहले से, यानी बैंक हमारे मर रहे हैं पूरी तरह से। और आप ये भी जानते हैं कि 31 मार्च 2019 हमें बख्शा नहीं जाएगा,
क्योंकि 31 मार्च 2019 पे हमें होना है बेजल 3 नॉर्म्स कंप्लायंट, यानी हमें हमारे बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस बार जो 19 जुलाई था ये 48वीं वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी थी, जब हमारे जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज हुए थे, जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस उपलक्ष में फिर डिसाइड ये किया कि बैंक्स यूनियन ने कि हम इसको मनाएंगे सेव पब्लिक सेक्टर बैंक्स डे, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाओ। अब बात करते हैं ब्लैक मनी की। जो हमारा आयकर विभाग है, जिसे हम बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने ये अनाउंस करा था कि 2 लाख से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, वरना आप पे 100% की पेनल्टी लगेगी। यानी फिर आपके ऊपर 2 लाख, अगर आपने मान लो 2 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट दिया, मान लो 3 लाख की आपने पेमेंट कर दी कैश में कहीं पे, तो फिर 3 लाख रुपए की ही पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, 100% पेनल्टी लगेगी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी जानने वाली ये हैं, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है मूवेबल, जिसको मैं अपनी मेरी प्रॉपर्टी जिसे मैं इधर उधर ले जा सकता हूँ, जैसे अगर मेरे पास मान लो कोई गोल्ड है तो गोल्ड को तो मैं उठा के अपनी जेब में रख के ले जा सकता हूँ, तो ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। एक होती है इमूवेबल, जैसे मेरी जमीन, जमीन को तो मैं उठा के ले जा नहीं सकता, तो वो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीविंग और रीपेइंग 20,000 और मोर इन कैश फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप अपनी जमीन या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हैं और उसमें आप 20,000 या उससे ज़्यादा कैश में कुछ ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी बैन है, याद रखिए। ये मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ। या फिर आप अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में 10,000 से ज़्यादा रुपए, 10,000 या उससे ज़्यादा कैश में देते हैं, तो वो भी बैन है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, आप उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो 10,000 से ज़्यादा अगर दे रहे हैं तो फिर आपको वो उसे देनी पड़ेगी, चेक से या ऑनलाइन NEFT वगैरह कराना पड़ेगा, आप कैश में नहीं देंगे। अब मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ कंसेप्ट्स। मान लीजिए एक व्यक्ति है, और क्योंकि 2 लाख रुपए कैश है, ठीक है, अब वो क्या करता है, वो मान लीजिए मुझे 4 चीज़ें देता है, ठीक है, और ये हैं वो 4 चीज़ें जो मैंने किसी से खरीदी। अब ये एक चीज़ है 60,000 की, 60,000 की, ठीक है। अब इनमें इंडिविजुअल चीज़ तो 2 लाख से कम है, लेकिन मिला के सारा कितना हो गया, 2.4 लाख। तो क्या मैं इस व्यक्ति को 2.4 लाख कैश दे सकता हूँ? नहीं। जितने भी मैंने आइटम लिए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको मिला के देखा जाएगा, यानी कि जो बिलिंग है उसमें सारे आइटम कोलेट देखे जाएंगे, इंडिविजुअली नहीं देखे जाएंगे, याद रखिए। ये पहला केस है। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए मैंने एक ही आइटम खरीदी और ये है लेट से 3 लाख रुपए की है, और मैं 1 लाख रुपये, मतलब मैंने जो उसको पैसा दे रहा हूँ एक बार में 1 लाख दे रहा हूँ, और ऐसा मैं दूसरी बार में फिर 75,000 दे रहा हूँ, तीसरी बार में सिर्फ 2,000 दे रहा हूँ, ऐसे मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन करके मैंने 3 लाख कर दिया, तो क्या ये माना जाएगा कि मैंने उसे 2 लाख रुपये दिए हैं? 2 लाख ये क्लॉज के अंदर आएगा? आएगा, यानी ये भी बैन है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ये तो सरकार को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि चलो 2 लाख रुपये एक साथ नहीं दे सकता, तो आज 1 लाख दे देता हूँ, कल 1 लाख दे दूंगा, फिर परसों कुछ 1,000 दे दूंगा, ऐसे नहीं कर सकता, ये भी बैन है। तीसरा केस देखते हैं। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो 2 लाख है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम से ही रिलेटेड है ये, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इनकम। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए तक का, और आप बैंक को लोन वापस कर रहे हो, यानी आप 3 लाख रुपए बैंक को दे रहे हो, तो नहीं दे सकते, यानी आप लोन रीपेमेंट भी 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं कर सकते, रीइंबर्समेंट भी नहीं कर सकते, किसी रिलेटिव से गिफ्ट भी नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर इनकम पे आप रिसिप्ट भी नहीं ले सकते, तो ये सब भी इसमें इसके परव्यू में आता है, याद रखिए। आपको पेनल्टी लगेगी अगर ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें हैं जो की गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, तो उसमें बहुत सारे बाराती आते हैं और सब 2,000 रुपए का कन्यादान दे रहे हैं। अब कई सारे लिफाफे हो गए हैं, मान लीजिए 1,000 लिफाफे हो गए हैं, तो पैसा कितना आ गया मेरे पास, 20 लाख आ गया। अब क्या ये मैं फंसूंगा कि देखो मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा आ गया? नहीं, इसमें नहीं फंसूंगा। यानी अगर कोई इवेंट है या ओकेजन है उसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं कैश के, तो वो चलता है, वो उसमें कोई लिमिट नहीं है 2 लाख की। आप कितना भी बारात वगैरह में, शादी बारात में मल्टीपल एनवेलप अगर आपके पास आ रहे हैं किसी इवेंट के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अपने ही बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, आप सोचते हैं चलो मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके सेविंग्स अकाउंट में डलवा देता हूँ, तो क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ, ये आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बैंक से लोन लिया हुआ है और उसकी किस्त भरनी है कैश में, वो काम आप नहीं कर सकते। लेकिन अपने ही बैंक में डलवा रहे हैं, अपने ही बैंक में, तो वो इन पीनल प्रोविजंस के बाहर रखा गया है, तो ये भी याद रखिए।
अब एक और नोटिफिकेशन आया है, ये 3 जुलाई को आया है, क्लियर कर दूं मैं, 3 जुलाई 2017 को आया नोटिफिकेशन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सीबीडीटी का। उन्होंने कहा है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड आप बिल पे कर रहे हो तो आप एग्जेम्प्टेड हो कैश डीलिंग लिमिट ऑफ 2 लाख से, यानी कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर बिल पे कर रहे हो तो आप 2 लाख से ज्यादा कैश में कर सकते हो, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से यूज किया, यानी आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी है, तो उसमें ब्लैक मनी का कोई चांस है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पैसा खर्च दिया है, अब तो बस आप उसको वापस कर रहे हो। तो जो ऑलरेडी खर्च करा है वो तो सारा आरबीआई की बुक्स में है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, उसमें फिर ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। और ये फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत मैं बता रहा हूँ, जितने भी कानून मैंने आपको बताए थे ये 2 लाख वाले, ये 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू हो चुके हैं। 5 चीज़ों पर आपको छूट मिली है इसके। एक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 269ST इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डाला है ये करने के लिए। इसके तहत 100% पेनल्टी लगेगी अगर आप अमाउंट ऐसा कोई रिसीव करते हो, देते हो। और दूसरी बात, ये अरुण जेटली ने कहा था बजट में, इस बार जो बजट की स्पीच हुई थी, इस बार का बजट भी थोड़ा अलग था। एक तो रेल बजट जो था वो इस बार नॉर्मल बजट के साथ आया था, जनरल बजट के साथ रेल बजट भी आया था। दूसरा, इस बार बजट 1 महीने पहले हुआ था, जनरली जो बजट होता है वो 1 मार्च को होता है, इस बार 1 फरवरी को हुआ था, तो 1 महीने पहले हुआ था। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली, उन्होंने कहा था कि जो लिमिट है वो हम 3 लाख रुपए रखेंगे कैश की, लेकिन फिर बाद में लोकसभा में जब बिल पास हुआ था तो उसमें 2 लाख कर दी गई थी, सरकार ने उसको कम कर दिया था। तो अभी जो लिमिट है वो है 2 लाख, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इन सब पे ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। जैसे गवर्नमेंट की कोई रिसिप्ट है, बैंकिंग कंपनी की कोई रिसिप्ट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, ये है इसमें 5 एग्जेम्पशन जो की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है, उसकी कोई रिसिप्ट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाइट लेबल एटीएम होता है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एटीएम होता है, और अगर कोई एजेंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, उसको इशू कर रहा है, उसकी रिसिप्ट पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो किसी बैंकिंग कंपनी के बिहाफ पे कोई रिसिप्ट दे रहा है, उस पर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम उतना टेक्निकल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। और क्रेडिट कार्ड तो मैंने आपको बता दिया कि उस पर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। मैंने पिछले वीडियो में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो हमने जो जो लोन लिए वो बता दिए थे। देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये चाइना ने परेशान होकर बनाया था, अभी बनाया ये 25 दिसंबर 2015 को, 2 साल भी नहीं हुए। ये इसलिए बनाया चाइना ने क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है अमेरिका और यूरोप का, और जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है यूरोप का और अमेरिका का अगेन, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा है अमेरिका का और जापान का। यानी चाइना एक ऐसा बैंक चाहता था जिसमें वो थोड़ा सा, चाइना कैन कॉल द शॉट्स, जिसमें चाइना का थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंस रहे। तो चाइना ने इनिशिएट करके बनाया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और चाइना के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं जो लू जीवी, ये इसके पहले चेयरमैन बने थे बैंक्स काउंसिल के, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है इस बैंक का, चाइना के पूर्व वित्त मंत्री जिन लीकन, जिन लीकन। इसमें 57 मेंबर है, इनमें से 37 जो है वो रीजनल है और 20 नॉन रीजनल है। इसमें बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सा है चाइना का, दूसरे नंबर पे है इंडिया का, ये वोटिंग शेयर है। अच्छा, एक बात और, इसमें वोटिंग शेयर इस हिसाब से नहीं है कि आपका इसमें कितना कैपिटल आपने बैंक के अंदर रखा है, नहीं, आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है उस हिसाब से वोटिंग है इसमें, इसीलिए इंडिया का इसमें सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसमें सबसे ज्यादा चाइना शेयर होल्डर है, चाइना का इसमें जो धन रखा है उसमें 30.34% हिस्सा है, और वोटिंग राइट्स हैं 26.06%। इसमें जितना भी धन रखा है भारत का उसमें हिस्सा है 8.52%, और वोटिंग राइट है भारत के 7.5%। अब इसने लोन कौन सा दिया है, गुजरात में सड़कें बनाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को लोन दिया है $329 मिलियन का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलकर को फाइनेंस कराया पावर ग्रिड का जो प्रोजेक्ट है भारत में, आंध्र प्रदेश में जो पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट, और दूसरी जगह पे है आंध्र प्रदेश में, तो आप उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने स्टैंड अलोन जो अकेले जो भारत को लोन दिया है वो दिया है $329 मिलियन का लोन। तो ये लगभग आप कह सकते हैं 2000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन है ये। और ये क्यों दिया है, गुजरात में सड़कें बनेंगी उसके लिए दिया है, गुजरात में रोड कनेक्टिविटी लगभग गुजरात के 1060 गांव में पहुंचेगी, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में, उन सब के अंदर इसके लिए धन मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। एक और बात, आंध्र प्रदेश के अंदर एक प्रोजेक्ट है पावर सप्लाई का, इसको को फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिलके। यानी कि एक मैंने आपको पावर ग्रिड को जो लोन दिया है वो बताया था, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलकर कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश में जो प्रोजेक्ट है ये 380 मिलियन डॉलर का है, ठीक है। इसमें कौन कितना धन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है 240 मिलियन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है 140 मिलियन। लगभग जो रेशियो है रफली है 60:40, ये भी याद रखिए। 60 किसका है? वर्ल्ड बैंक, और 40 है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ये पावर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का, याद रखिए। आंध्र प्रदेश सरकार को दिया ये लोन। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अब तक 2 मीटिंग हो चुकी हैं, तो जो तीसरी मीटिंग इसकी होगी वो भारत में होगी 2018 में, जून 2018 में मुंबई में होगी, ये डिसाइड करा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ये सिर्फ इनकी तीसरी मीटिंग है, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था इसके तो 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है येस बैंक। येस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं राणा कपूर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इन्होंने यूके की कंपनी सेंटेंडर के साथ एक एग्रीमेंट करा है। ये भारत और यूके के बीच में ट्रेड को, बिजनेस को और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे, इनको बढ़ावा देंगे, और ये किया है इन्होंने सेंटेंडर के साथ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आप नाम आपको याद रखने हैं, किसने किसके साथ एग्रीमेंट करा है ये आपको याद रखना है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं शिखा शर्मा। और एक्सिस बैंक ने, अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं, सुपर बाइक, महंगे जो बाइक होते हैं, जनरली 5 लाख से 40 लाख तक की रेंज में जो बाइक होते हैं, हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ और जो हायाबूसा वगैरह बड़े बड़े बाइक्स होते हैं, आजकल तो करोड़ों रुपए के बाइक्स आने लगे हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए एक्सिस बैंक ने रोल आउट करी है स्कीम सुपर बाइक्स के लिए। तो इसमें वो लोन देगा आपको, और ये जो बाइक है 500 सीसी से ज़्यादा होनी चाहिए, 500 सीसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें आपको 95% तक जो बाइक की कॉस्ट है वो बैंक फाइनेंस कर देगा। रशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, और कोलकाता की ये कंपनी है SREI, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा है। अब दोनों ने मिलकर बनाया है एक 200 मिलियन डॉलर का, 200 मिलियन डॉलर होते हैं 1300 करोड़ रुपए, अगर मैं डॉलर की वैल्यू 65 रुपए मानूं तो, जो आजकल चल रही है, तो 200 मिलियन डॉलर का एक इनोवेशन फंड बनाया है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना बिजनेस में, कुछ नई चीज ईजाद करना, डिस्कवरी करना, इनोवेशन करना। और ये इन्होंने बनाया है आईटी और आईटी में खासकर, मतलब अगर कोई टेक्निकल लाइन में कोई इनोवेशन करना चाहता है तो ये उसकी हेल्प करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आप जानते हैं रशिया गए थे, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के अंदर गए थे, वहां पे ये एमओयू साइन हुआ था। और एमओयू में टोटल जो जो एलोकेशन है वो है 500 मिलियन डॉलर, लेकिन जो इनोवेशन फंड बना है वो है 200 मिलियन डॉलर। और SREI जो कंपनी है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हेमंत कनौरिया। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडस ओएस, ये बेसिकली दुनिया का पहला रीजनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स के लिए बना है भारत के अंदर और दूसरे इमर्जिंग मार्केट में। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत की ऑलमोस्ट सारी भाषाएं हैं इंडस ओएस के अंदर। इन्होंने पार्टनरशिप करी है येस बैंक के साथ, और इन्होंने लॉन्च कराया मिलके ओएस इंटीग्रेटेड यूपीआई प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। एसएमएस मैसेजिंग, डायलर इंटरफेस, या थर्ड पार्टी ऐप अगर आप यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह, उसमें भी आप इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, इंडस ओएस है दुनिया का पहला रीजनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जितने भी P2P ट्रांजेक्शन है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन और यूटिलिटी पेमेंट, वो आप SMS और मैसेजिंग के थ्रू कर पाएंगे अब। और बस इसमें एक बात और याद रखिए, जो UPI है इसको आधार से भी लिंक किया गया है। जितने भी UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें 35% जो है वो येस बैंक के थ्रू हो रहे हैं, ऐसा येस बैंक क्लेम करता है। और इसमें 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट है जो येस बैंक का UPI पेमेंट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। इंडस ओएस का पुराना नाम था फर्स्ट टच, ये भी याद रखिए। और ये आज की तारीख में iOS जो एप्पल के अंदर आता है और विंडोज फोन, उनसे भी ज्यादा यूज हो रहा है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड के बाद अब इंडस ओएस ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इनका एक अपना ऐप मार्केट प्लेस भी है जिसे बोलते हैं ऐप बाजार। और इसको 2015 में शुरू किया था राकेश देशमुख, आकाश डोंगरे और सुधीर बी ने, और इस कंपनी के इसके CEO हैं राकेश देशमुख। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इन्होंने 5 बैंक्स के साथ टाई अप किया है। प्रोविडेंट फंड अगर कोई ड्यूज बचे हुए हैं तो वो आप अब इन बैंक्स में जमा कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि जो चार्ज लगता था, क्योंकि इनका टाई अप नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ था और बैंक्स के साथ नहीं था। अब इन्होंने एग्रीमेंट करा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। यानी अब ये प्राइवेट बैंक्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये सरकारी है, बाकी ये सारे प्राइवेट हैं। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI, HDFC सब प्राइवेट हैं। यानी ये प्राइवेट बैंक के साथ भी अब टाई अप कर रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ये कह रहे हैं कि हम एक साल में 125 करोड़ रुपए बचाएंगे। इससे पहले इन्होंने
पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन ऑलरेडी किया हुआ है और ये सारे सरकारी बैंक हैं, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी कर लिया है और फिर ये चार प्राइवेट बैंक के साथ किया है। अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें इनको फायदा ये है कि पहले जो ट्रांजेक्शन होती थी एक, क्योंकि इन बैंक से टाई अप नहीं था, तो 12 रुपए पर ट्रांजेक्शन को इन जो पैसा था एग्रीगेटर मोड में पेमेंट होती थी उसमें खर्च करना पड़ता था। इससे साल का लगभग 350 करोड़ रुपए इनका नुकसान होता था। अब जब इन्होंने इतने सारे बैंक से टाई अप कर लिया, खासकर जो सरकारी बैंकों के साथ, तो 175 करोड़ रुपए का इन्होंने सेविंग करी है। अब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने 5 और बैंक के साथ किया है, 4 सरकारी और 1 प्राइवेट, इससे अब 50 करोड़ से भी कम इनका जो लॉस है वो हो जाएगा और फिर अगले साल तक तो ये काफी सारे बैंक के साथ और कर लेंगे। एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक, इसने टाई अप किया है पीएफजी फॉरेक्स के साथ। फॉरेक्स बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। साउथ इंडियन बैंक ने ये टाई अप किया है रेमिटेंस फैसिलिटी के लिए। जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, इसका मतलब ये होता है, एक्सपेट्रिएट किसको बोलते हैं, जो अपने देश से बाहर रह के काम करता है वो एक्सपेट्रिएट हो गया। जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अगर वो पैसा भेजना चाहते हैं तो अब वो इस बैंक के थ्रू वो भेज सकते हैं। किसके लिए इन्होंने टाई अप किया है? पीएफजी फॉरेक्स के साथ, याद रखिए। यानी अब अगर ऑस्ट्रेलिया से किसी को इंडिया पैसा भेजना है, कोई एनआरआई है, तो वो पीएफजी फॉरेक्स के साथ उनके आउटलेट पे जाएगा, वहां पे जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह आपने सुना होगा, और वहां से जाके वो पैसा भेज सकता है। तो ये टाई अप है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ये आईसीआईसीआई बैंक। इसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। ये एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, ये तीनों बैंक को बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। यानी आरबीआई ये कहता है कि ये तीनों बैंक फेल नहीं हो सकते, दीज आर टू बिग टू फेल। इन्होंने फेयरफैक्स कंपनी के साथ अपना जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट कर दिया है, और वो इसलिए टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि आईसीआईसीआई जो है अब अपना आईपीओ निकाल रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसीलिए ये इन्होंने इसके साथ टर्मिनेट कर दिया है। क्योंकि आईपीओ के लिए कंडीशन होती है कि आपको टर्मिनेशन एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब पहले मैं बता दूं ये फेयरफैक्स है क्या। देखिए 1994 में फेयरफैक्स कंपनी है, इन्होंने कॉन्टिनेंटल कैनेडा नाम की कंपनी एक्वायर कर ली थी, खरीद ली थी, और उसका नाम रख दिया था लॉम्बार्ड इंश्योरेंस। 2000 के अंदर, आज से 17 साल पहले, आईसीआईसीआई बैंक और फेयरफैक्स ने मिलकर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस शुरू किया। और आज की तारीख में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की एनुअल रिपोर्ट देखो तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जो है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये पहली प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत की जो 10,000 करोड़ का प्रीमियम जिसने फाइनेंशियल ईयर 2017 में क्रॉस कर लिया है। और ये जो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, आईसीआईसीआई जनरल, इसके अंदर 63.31% हिस्सा है आईसीआईसीआई बैंक का। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये कुछ लोगों के लिए मायूसी होगी। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। करंट अकाउंट में तो कभी इंटरेस्ट मिलता नहीं, आप जानते हैं। करंट अकाउंट फर्म्स के लिए होता है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो इसमें। लेकिन जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता था पहले? 4%। लेकिन अब 4% तभी मिलेगा अगर आपके पास बैलेंस 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको फिर मिलेगा 3.5%। ये कम कर दिया है अब आपको सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा अपने सेविंग्स अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है यूनियन बैंक के ऊपर, क्योंकि ये जो बैंक है ये केवाईसी नॉन कंप्लायंस यानी नो योर कस्टमर के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं कर रहा था। एक दो केसेस चल रहे थे इसके ऊपर, एक में 2 करोड़ की, एक में एक, टोटल पेनल्टी लगी है 3 करोड़ रुपए की। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके सीईओ हैं अरुण तिवारी। कैनरा बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा। कैनरा बैंक जो है ये पेपरलेस बैंकिंग में घुस गया है, पेपरलेस। इन्होंने अपनी पहली डिजिटल ब्रांच खोली है बेंगलुरु में, पूरी की पूरी डिजिटल है, कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। और इस बैंक में एक रोबोट भी रखा है इन्होंने जो कस्टमर्स की क्वेरीज वगैरह सॉल्व करेगा, बेसिक जो बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ये सॉल्व करेगा। और कैनरा बैंक जो है ये एक सरकारी बैंक है, ये भी याद रखिए, ये एक सरकारी बैंक है। भारत जो है वो टॉप नेशंस में है जिनमें डिजिटल पेमेंट की काफ़ी पोटेंशियल है। ये एक इंडेक्स आया जिसका नाम है डिजिटल एवोल्यूशन इंडेक्स। हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स की पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, याद रखिए। भारत को इस कैटेगरी में रखा है ब्रेकआउट सेगमेंट। 60 देश रैंक किए गए थे, भारत को रखा है ब्रेकआउट सेगमेंट में। ये रिसर्च करवाया फ्लेचर स्कूल एट टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, इन्होंने पार्टनरशिप करी मास्टर कार्ड के साथ, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। ब्रेकआउट कैटेगरी क्या होती है ये बताता हूँ आपको। ब्रेकआउट सेगमेंट का मतलब है वो देश जिनमें अभी डिजिटल एडवांसमेंट उतनी नहीं हुई है जैसे भारत, लेकिन
उनमें ग्रोथ काफी अच्छी है और इसीलिए वो अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है अपनी पोटेंशियल को लेके। तो भारत है, आप जानते हैं डिजिटली तो हम बहुत पीछे हैं अभी, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है हमारे देश में, इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए हम अट्रैक्टिव हैं। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट सेगमेंट, इसमें हमें रखा गया है। अब इन्होंने यह भी कहा है कि जो भारत है उसमें चार चीजें हैं जिनसे डिजिटल काफी अच्छा हो रहा है। एक तो सप्लाई, कंज्यूमर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट और इनोवेशन। एक बात और, मास्टर कार्ड जो कंपनी है इसके प्रेसिडेंट और सीईओ एक इंडियन है, इनका नाम है अजय सिंह बांगा। जितनी भी बहुत बड़े बड़े लेवल की कंपनियां हैं, जैसे एडोबी है, एडोबी जो कंपनी है इसका पीडीएफ आप पढ़ते हैं वो क्या है, एडोब एक्रोबैट एडिटर में पढ़ते हैं, तो वो एडोबी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एडोबी कंपनी के जो सीईओ हैं वो है शांतनु नारायण, ये भी इंडियन है। गूगल के सीईओ वो भी इंडियन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वो भी इंडियन है, सत्य नडेला। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े लेवल पे जो कंपनियां हैं उनके जो अगर इंडियन सीईओ हैं तो आपको याद रखने हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे लाइव हो गया है, इसने भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अपना लिया है। याद रखिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम अभी तक सिर्फ 3 सरकारी बैंक्स ने अपनाया है, प्राइवेट कितने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकारी बैंक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 3 बैंक हैं? एक तो है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं रिपीट करता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक, अभी तक यही 3 बैंक हैं जिन्होंने भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, इसको किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ये भी याद रखिए। इसमें आप अपनी कोई भी पेमेंट करनी हो, आपको बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीकम्युनिकेशन, कुछ भी आपको करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि अब ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। सब्सक्राइब इन्होंने लॉन्च करा था, ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं किया था, उसके लिए RBI की परमिशन चाहिए थी और वो इन्हें अब मिल गई है। अब एक बात ये समझ लीजिए कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, लगभग 45 करोड़ बिल हैं जो परमिटेड है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत। अब भारत को, भारत ने टारगेट क्या रखा है, देखिए भारत ये कह रहा है, मतलब जो हमारी सरकार है वो ये कह रही है कि आप अपने जो भी बिल हैं वो डिजिटली पे करिए। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे सबसे ज्यादा तरह के बिल कौन से हैं जो भरे जाते हैं, वो है बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और हमारे जो बिजली के बिल होते हैं भारत में वो होते हैं 18 करोड़ हर महीने। मैं रिपीट करता हूँ, भारत में 18 करोड़ बिजली के बिल हर महीने भरे जाते हैं, इनमें से सिर्फ 10% ही डिजिटली भरे जाते हैं, बाकी सब दफ्तर में जाके लोग भरते हैं। डिजिटली कितने भरते हैं? सिर्फ 10%, यानी कितने हो गए, 1.8 करोड़ सिर्फ। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें जब 2018 31 मार्च आ जाएगा, यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर फिस्कल चल रहा है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, तब तक हमें 25 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन करने हैं। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ 25 बिलियन, 1 बिलियन होता है 100 करोड़, यानी सरकार ये कह रही है 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाने चाहिए 31 मार्च 2018 तक। अब अगर इतना हमें करना है तो फिर पावर सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर 2500 करोड़ है तो 18 करोड़ तो हमारे बिजली के बिल है। तो इनके जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा लॉफ्टी है, लेकिन देखना होगा कितने अचीव हो पाते हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन जो है काफ़ी स्लो हो गया है दोबारा, क्योंकि जैसे अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपने देखा होगा कि पेटीएम वगैरह है उनका लोग काफ़ी यूज़ कर रहे थे। अब अगर आप दुकानों पर जाएंगे तो लोग कहेंगे हम तो पेटीएम यूज़ नहीं करते, वो जो पहले लेते थे मजबूरी में लेते थे लेकिन वापस वो कैश पे आ गए। तो ये देखने होंगे ये टारगेट कितने अचीव होते हैं, टारगेट काफ़ी एम्बिशियस हैं लेकिन पूरे कितने होते हैं वो देखना होगा। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, अगर ये आपसे पूछें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो सारे रिटेल पेमेंट लेती है आपके, ठीक है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था, और ये सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, जिसको हम आज बोलते हैं सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके तहत इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका जो ऑथोराइज कैपिटल है रफली 300 करोड़ और पेड अप कैपिटल है वो रफली 100 करोड़। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके चेयरमैन है श्री बालाचंद्रन एम। इसमें 10 प्रोमोटर बैंक्स हैं, ये एक बार आप नाम देख सकते हैं, ये ज़्यादातर बड़े बड़े बैंक्स हैं सारे, SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC वगैरह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपरवाइजरी कॉलेजेस बनाए हैं भारत के 6 बड़े बैंक्स के लिए, ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। ये 6 कौन से हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये 6 कमर्शियल शेड्यूल बैंक हैं जिनके लिए सुपरवाइजरी कॉलेज बनाए हैं। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, अगर रिस्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और बैंकिंग ज़्यादा अच्छे से स्मूथली काम कर पाएगी। दूसरी बात, इंटरनेशनली जो बैंक एक्टिव हैं, जिन बैंक्स के
इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी सिंगापुर में ब्रांच खोली अपनी, उस पर भी आरबीआई ज्यादा अच्छे से उन्हें सुपरवाइज कर पाएगी, सुपरवाइजरी उन पर नजर रख पाएगी, उनके काम देख पाएगी, संचालन कर पाएगी सुपरवाइजरी कॉलेज की मदद से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसने इजिप्ट का जो एक्सचेंज है जिसका नाम है इजिप्शियन एक्सचेंज, इसके साथ एक कॉपरेशन का, आपसी सहयोग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने में, एक दूसरे को कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने में। तो बस इतना याद रखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एग्रीमेंट किया है इजिप्शियन एक्सचेंज के साथ। पंजाब नेशनल बैंक ने एक बंक अश्योरेंस एग्रीमेंट किया है बजाज अलियांस के साथ। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं भारत में, बहुत बड़ा बैंक है, और बजाज अलियांस जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बैंक्स के साथ टाई अप कर लेती है कि हमारे प्रोडक्ट बेचो। तो फायदा क्या होगा, क्योंकि बैंक्स के पास अब 7,000 ब्रांचेज हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास तो कंज्यूमर बेस नहीं होता उतना, उतने कस्टमर नहीं होते। तो बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचता है और जो भी मुनाफा होता है उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है। इसको बोलते हैं बंक अश्योरेंस। जब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है उसे बोला जाता है बंक अश्योरेंस। तो पंजाब नेशनल बैंक ने बजाज अलियांस के साथ किया है बंक अश्योरेंस एग्रीमेंट। सिडबी की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, ये ही मुद्रा स्कीम चलाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब तीन तरह के लोन देता है ये छोटे बिजनेसेस को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देता है। ये एक बात और याद रखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। अब जो मुद्रा बैंक है ये तीन तरह के लोन देता है, एक तो देता है शिशु, एक देता है तरुण और एक देता है किशोर। शिशु होता है 50,000 तक का लोन, किशोर होता है 50,000 से 5,00,000 तक का, और तरुण होता है 5,00,000 से 10,00,000 तक का। यानी सिडबी से आपको कितना लोन मिल सकता है मुद्रा के तहत, सिर्फ 10,00,000 तक का मिल सकता है एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और इन्होंने मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं टू हेल्प, छोटे उद्योगों को हेल्प करने के लिए। इससे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनको कैपिटल मार्केट में अच्छा एक्सेस मिल पाएगा, और ये एसएमई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज भी कर पाएंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं, ये बैंक, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है यूके में, और इसने लॉन्च करा है मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड जो है ये 20 तरह के करेंसी एक ही कार्ड पे आप इसका, इसे कुछ भी खरीद सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 20 इसमें करेंसी हैं, जैसे अमेरिका की डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जैपनीज करेंसी है येन, साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड, ये सब करेंसी हैं। इसके लिए लॉन्च करा है मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। कर्नाटका बैंक की बात करते हैं, कर्नाटका बैंक ने एक मेटल लोन एंड लाइफ सुरक्षा नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये, इन्होंने लॉन्च करा है, और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च करा है। इनके 15 साल पूरे हो गए हैं पार्टनरशिप के पीएनबी मेटलाइफ के साथ, और इन्होंने जो ऐप लॉन्च करा है उसका नाम है KBL MLLS। ये ऐप है, MLLS मतलब क्या होता है, मेट लोन एंड लाइफ सुरक्षा ऐप, KBL कर्नाटका बैंक लिमिटेड, और MLLS बोलते हैं मेट लोन एंड लाइफ सुरक्षा। ये ऐप है जिससे आप इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कितना भरना है। और इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस, इन्होंने लॉन्च करा ये ऐप। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, इन्होंने, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में, गुजरात में। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है DGSND के साथ। ये है क्या DGSND, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ये सर्विसेज देंगे, सेवाएं देंगे अपनी गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस को। ई मार्केट प्लेस मतलब होता है एक नॉर्मल जैसे बाजार होता है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार है ये, यहाँ पे सरकार खरीदती और बेचती है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मैं चाहूंगा आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट भी खोलें, वहाँ पे रिवर्स बिडिंग, कॉम्पिटेटिव बिडिंग, कई सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से सामान खरीदती है अपने ऑफिसेज के लिए। अब जो ये DGSND क्या है, ये बदल रहा है, अब इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। पहले में देखिए, जो कैबिनेट है हमारा, उन्होंने कहा कि DGSND को अब खत्म कर दो, ठीक है, इसकी जगह बना दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, यानी GEMSPV बना दो। और ये किसकी जगह लेगा, DGSND, यानी इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, यानी अब इसे खत्म करना है।
सरकार बोली हम इसे अक्टूबर तक 2017 तक खत्म कर देंगे, लेकिन अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर हम 31 मार्च 2018 तक तो खत्म इसे कर ही देंगे, यानी अब इसे खत्म करना है। और जो ये इन्होंने इसके बदले में क्या बना दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने बना दिया नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी NPPP। और ये जो NPPP है ये क्या करेगा, सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य की सरकार को कुछ भी अगर खरीदना है अपने सरकार के दफ्तरों के लिए, किसी सरकारी कंपनियों के लिए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, तो वो एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में NPPP से सरकार खरीद सकेगी, याद रखिए। यानी अब DGSND खत्म हो गया, उसकी जगह, मतलब अभी एकदम से नहीं हुआ लेकिन ये खत्म होगा, और इसकी जगह बना था GEM स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इसने बनाया था NPPP, यानी DGSND को कन्वर्ट करके अब बना दिया है NPPP। सेबी की बात करते हैं, सेबी ने एक एग्रीमेंट करा है ESMA के साथ, ये CCP के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। अब ये भी समझना जरूरी है कि CCP क्या होता है। CCP की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करता है कि वो यूरोपियन डेरिवेटिव्स और इक्विटीज मार्केट में व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये उनकी रिस्क काफ़ी कम कर देता है, बायर्स की भी और सेलर की भी, एक तरह से बफर का काम करता है ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं CCP। और ESMA अब क्या करेगा, इनके साथ एग्रीमेंट क्यों किया है, ESMA बोलते हैं यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी यानी ESMA, ये CCP के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा सेबी को, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है अजय त्यागी। ICICI बैंक जो है, इन्होंने एक ऑफर दिया है, आप अपने ATM से ही 15 लाख का इंस्टेंट लोन ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर जो होता है आपका 3 डिजिट का एक स्कोर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे होता है। और ये स्कोर कैसे निकलता है सिबिल स्कोर, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो आपके CIR में मिलती है यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में मिलती है, उससे बनाया जाता है ये स्कोर। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो 15 लाख तक का लोन आप अपने ATM से ही ले सकते हो। ICICI बैंक ने ये ऑफर किया है, आपके डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा इंस्टेंटली। इकरा, ये हमारी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की, इकरा, और इसने IIFCL यानी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक रेटिंग सिस्टम लॉन्च करा है जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रेट करेगा। ये देखेगा कि प्रोजेक्ट जो है उसमें कितना लोन लिया गया है इन्वेस्टर का, कितना ड्यूज बचा है, लाइफ साइकिल कितना है उसका, उसके प्रोजेक्ट के वायबल कितना है प्रोजेक्ट, उसके खराब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें रेट करेगा वो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रेटिंग देगा वो। और ये मिलकर लॉन्च करा है इकरा ने और IIFCL ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिस आया है, 20 रुपए का नोट निकालेगी ये पुरानी महात्मा गांधी सीरीज में, यानी 2005 की महात्मा गांधी सीरीज में। अब ये जो 2005 वाली सीरीज है तो फिर नए वाले नोट में नया क्या है, नया है, नया ये है कि जो इंसर्ट लेटर होगा नए नोट्स में वो होगा इंसर्ट लेटर S। मैं रिपीट करता हूँ, 20 रुपए का नया नोट निकालेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोटिफिकेशन आया, ये मैंने खुद RBI की वेबसाइट पर देखा है, और इसमें इंसर्ट लेटर S होगा नए 20 रुपए के नोट में, साइन होंगे उर्जित पटेल के, 1 रुपए को छोड़ के सारे साइन गवर्नर करता है, 1 रुपए पे करता है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरी बात, इसमें और डिफरेंस क्या है पहले वाले से, सीरीज वही रहेगी, डिफरेंस एक तो ये है इंसर्ट लेटर नए वाले में होगा S, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें ऑबवर्स असेंडिंग फॉन्ट होंगे, यानी लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो जो फॉन्ट है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने आपको 200 रुपए के नोट पर दिखाया था और 50 रुपए के नोट पर दिखाया था, बढ़ते जाएंगे और शुरू के 3 कॉन्स्टेंट रहेंगे और बाद वाले बढ़ते जाएंगे, ये फर्क रहेगा, पुराने वाले में नहीं था। दूसरी बात, इंटेग्लियो प्रिंटिंग इसमें नहीं होगी, इंटेग्लियो प्रिंटिंग की बजाय इसमें ऑफसेट में प्रिंट होगा ये, यानी इसमें रेज्ड प्रिंटिंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ उभर के नहीं आएगी, उठाव नहीं होगा उसमें, जैसे 20 जो लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सील है, महात्मा गांधी का फोटो है, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज है, गवर्नर के साइन है, अशोका का स्तंभ है, ये सब उठे हुए होते हैं जो पुराने वाला नोट है 20 रुपए का, उसमें वो इंटेग्लियो प्रिंटिंग में होता है यानी रेज प्रिंटिंग में होता है, लेकिन अब जो नए वाला होगा वो ऑफसेट प्रिंटिंग में होगा, उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। कलर की बात करते हैं, कलर में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जो नए वाला नोट है वो थोड़ा सा लाइट होगा कलर में, क्योंकि उसमें इंटेग्लियो प्रिंटिंग नहीं है, बट वैसे कलर चेंज नहीं किया। लेटेंट इमेज भी नए वाले नोट में नहीं होगी। लेटेंट इमेज क्या होती है, जब आप नोट को 45 डिग्री झुका के देखते हैं तो उसमें आपको फिर वो नजर आता है कि कितने रुपए का नोट है। और दूसरी बात, ये नए वाले में नहीं है। रिवर्स साइड दोनों में सेम है, कोई चेंज नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
मैंने आपको बताया था इन्होंने नए ब्रांच खोला है अपना सिंगापुर में। इसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट खोली है एक SBI रियल्टी, ये इनकी वेबसाइट है। इसमें आप वहीं घर बैठे बैठे इसमें घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इसमें 9.5 लाख से ज़्यादा होम यूनिट्स अवेलेबल हैं, घर अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट पे खरीद सकते हो। वेबसाइट है sbirealty.in। येस बैंक जो है इन्होंने OPIC से फंड लिया है $150 मिलियन का। ये फंड इन्हें अमेरिका की सरकार ने दिया है, क्योंकि जो ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है ये अमेरिका की सरकार का है। जैसे जापान का आपने सुना होगा जीका, वो जापान का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का वो है, इसी तरह से अमेरिका का है OPIC और बैंक है वाल्स फार्गो। दोनों ने मिलकर येस बैंक को दिया है $150 मिलियन का ये लोन। इसमें 75 मिलियन जो है वो फाइनेंसिंग है और 75 मिलियन सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग है, जॉइंटली वेल्स फार्गो बैंक ने अरेंज करके येस बैंक को दिया है। और ये येस बैंक इसका क्या करेगा? येस बैंक इसमें इंडिया के अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो महिलाएं जो बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनको फंडिंग देगा। और येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं राणा कपूर। और एक बात याद रखिए, जो छोटे उद्योग हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट का 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। और लगभग भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जिनको रोजगार मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें मिला के अब एक कर दो और उन्हें स्टेट वाले कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिला दो। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट वाले सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे कोऑपरेटिव बैंक एक हो जाएंगे तो उससे फंड बढ़ जाएगा, जो बैंक का पूल है कैश पूल वो बढ़ जाएगा। तो वो ऐसी उम्मीद है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा भी होने की संभावना है। यानी अब जो 264 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है छत्तीसगढ़ में, वो सारे अब एक एंटिटी की तरह काम करेंगे। सरकार ने कहा है इससे उनका पैसा भी बचेगा, इससे सरकार 40 से 50 करोड़ रुपए सेव करेगी, और इससे जो फार्मर वगैरह हैं उन्हें मॉडर्न बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकेंगी, जैसे ATM, माइक्रो ATM इत्यादि। माइक्रो ATM यानी जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स वाले जो होते हैं ये सब, और बैंक का जो वर्किंग कैपिटल है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, जिससे उनके पास काफ़ी पैसा होगा दूसरे काम के लिए, जैसे एग्रीकल्चर लोन वगैरह देने के लिए। येस बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए लॉन्च करा है येस GST प्रोग्राम। येस GST एक सरकार ने भी लॉन्च करा था, GST रेट फाइंडर नाम था उसका, GST रेट फाइंडर ऐप सरकार ने लॉन्च किया था। वो भी उस पर आप जाके GST के जो भी रेट चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स किस रेट में है, वो सब आप देख सकते हो इस पर जाकर। इसी तरह का GST कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए सरकार ने लॉन्च करा है, येस बैंक ने लॉन्च किया है येस GST प्रोग्राम। इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है yesbank.in/yesgst और एक मिस्ड कॉल नंबर भी इन्होंने शुरू करा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर आप IMPS करते हो, देखिए IMPS में तुरंत पैसा जाता है, इसके लिए आपको MMID चाहिए होता है, तुरंत पैसा जाता है। एक NEFT होता है और एक RTGS होता है। RTGS पे आपको 2 लाख रुपए से कम का नहीं होता, 2 लाख से ज़्यादा का ही होता है। NEFT जो होता है इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपए आपको करवाने पड़ते हैं। तो 1,000 रुपए तक अगर आप IMPS कर रहे हो तो कोई चार्ज आपसे नहीं लेगा SBI, ये कहा है। इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा IMPS करेंगे। तो IMPS क्या होता है, ये एक इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। आप ये मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। पहले ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 5 रुपये चार्ज करता था सर्विस टैक्स के अलावा, अगर आप IMPS यूज़ करते हो तो 1,000 रुपये तक, लेकिन अब आपको नहीं देना पड़ेगा। और अब आप अगर 1 या 2 लाख रुपये तक करते हो तो फिर आपको 15 रुपये देने होंगे ट्रांजेक्शन के लिए, और बैंकिंग पूरी महंगी हो गई। आप जानते हैं पहले 15% सर्विस टैक्स होता था सर बैंकिंग के ऊपर, अब 18% GST में डाली हुई है, तो बैंक सारे के सारे कॉस्टली हो गए हैं, ये भी रियलिटी है। सो ये था भाग 2 बैंकिंग अवेयरनेस का। भाग 3 परसों शाम तक पूरा हो जाएगा, तो भाग 3 लेके आऊँगा और उसके बाद भाग 4 लेके आऊँगा। 4 पार्ट्स मिनिमम आएंगे, जो 3 महीने के बैंकिंग अवेयरनेस है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कुछ हुआ है, GST से रिलेटेड बहुत कुछ डायनेमिक चीज़ें हुई हैं। और तीसरे पार्ट में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या करा उस पर ध्यान दूंगा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आई है अभी आई है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उसको भी कवर करूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में समझाऊंगा, तो ये सब होगा 3rd पार्ट में। तो आई होप आप ये कवरेज एंजॉय कर रहे होंगे, देखते रहिए स्टडी IQ।